एवरीवन, मैं हूं ज़ोया और आप सभी का स्वागत करती हूं टेली फिल्म्स में। वेल, कल के एपिसोड जो कल का बिग बॉस 14 का एपिसोड होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं। वेल, जहां आज का एपिसोड अच्छा रहा, थोड़ी झगड़े देखे हमने, थोड़ा ड्रामा देखा, सिद्धार्थ की मस्ती देखी, सिद्धार्थ का काम करना देखा बिग बॉस हाउस में, सभी कुछ देखने के बाद आज का एपिसोड तो वाकई अच्छा गया है। लेकिन कल का एपिसोड बाकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जितने भी शहनाजियन हैं, जितने भी सिद्धार्थ हैं और जितने भी सिद्धनाज हैं, सभी कल के एपिसोड के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड ख़त्म होने के बाद कल के एपिसोड की छोटी सी झलक हमने देखी, जहां सारा गुरपाल, जो कि पंजाब से आई एक सिंगर हैं, एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सिद्धार्थ जी, हमारे प्यारे सिद्धार्थ को ये कहा कि हम पूरे पंजाब की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप हमारे जीजू हो। वेल, जीजू से समझ आ ही गया होगा, क्योंकि कितना प्यारा वर्ड है जीजू, जीजा जी, कितना प्यारा वर्ड है। और सुन के कितना अच्छा लगा, वो क्लिपिंग जो छोटी सी दिखाई थी कल के एपिसोड की, वो सुन के वाकई बहुत खुश हुई हूँ। और मेरे को कल देखना है कि एक्चुअली क्या कुछ कॉन्वर्जेशन हो रही है। मैं आपको बता दूँ, सारा ने ये कहा है सिद्धार्थ से कि आप हमारे जीजू हैं, पूरे पंजाब के जीजू हैं, और मैं बहुत दिल से कह रही हूँ, जिसका बड़े ही प्यारे तरीके से सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि आप दिल से कह रही हैं, मैं दिल से दिल तक कहता हूँ। वेल, इससे तो आप समझ ही जाइए कि किस तरह का कनेक्शन है सिद्धार्थ और शहनाज का, दिल से दिल तक का कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। और हम आए दिन सिद्धार्थ और शहनाज को देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। वेल, मैंने पढ़े हैं सोशल मीडिया पे सभी कमेंट्स कि कितना आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इन दोनों को वापस देखने के लिए। जहां सिद्धार्थ जब आने वाले थे बिग बॉस में, उसके बाद सभी फैंस ने कहा कि जो सना है, जो शहनाज है, वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन आप मायूस ना हो, ऐसी खबर आ रही है कि आगे चल के शहनाज भी बिग बॉस हाउस के अंदर नज़र आ सकती हैं। वेल, टॉपिक पे आते हैं। जो सिद्धार्थ ने कहा है और जो सारा ने कहा है, वो सुन के कल की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। इन दोनों का प्यार इतना है कि शहनाज घर के अंदर नहीं भी होने के वजह से भी शहनाज की प्रेजेंस हमें देखने मिल चुकी है। वेल, क्या कहना है आपका इस पर, ये हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।